क्या आप भी चतुर और फुर्तीले बनना चाहते हैं? यानी कि आप बहुत भोले भाले हैं और चालाक बनना चाहते हैं, या फिर उन चालाक लोगों के साथ में रह के उनकी चालाकियों से थोड़ा प्रभावित होते हैं कि यार ये लोग कितने स्मार्ट हैं और मैं कितना पीछे हूँ। तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। यहाँ मैं आपको कुछ रोजमर्रा की आदतों के बारे में बता रही हूँ जो कि आपके दिमाग को अच्छे से चालाक और फुर्तीला बना देंगी। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आज से ही इन आदतों को अपने जीवन में अपना ही लीजिएगा। खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाइए, अपने अंदर कुछ ऐसी आदतों को डेवलप कीजिए जिसकी मदद से आप मेंटली स्ट्रांग बन सके। इन आदतों की मदद से आपका दिमाग भी तेज होता है, क्योंकि जब हम मेंटली स्ट्रांग होंगे तो हमें छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, और जब हमें छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है तो हम अपने आप ही स्मार्ट होने लगते हैं। मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको चालाक और फुर्तीला दिमाग चाहिए तो रोज आपको मेडिटेशन करना ही होगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए रोजाना मेडिटेशन जरूर कीजिए। इससे आपका ब्रेन हेल्दी और शार्प होगा। सभी से बातचीत करते रहिए, सभी लोगों से बातचीत रखें। इससे आपको सबके अलग अलग भावनाएं जानने में मिलेंगी और वो लोग कैसे सोचते हैं ये आपको जानने मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की सोचने समझने की क्षमता को जल्दी से जल्दी पहचानने लगेंगे। ऐसे ही तो स्मार्ट बनते हैं हम। हमेशा नया सीखते रहिए। अगर आप अपने ब्रेन को स्मार्ट और एक्टिव बनाए रखना चाहते हैं तो लगातार नई चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। लगातार सीखने से दिमाग को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है और वो नई नई चीजें सीखता है। आप जितना अपने दिमाग को सिखाएंगे वो उतना ही ज्यादा सीखेगा, और जितना आराम लेंगे इतना ही वो आराम में रहेगा। फ्यूचर की प्लानिंग रखिए। दिमाग को बिना कोई तनाव दिए भविष्य के बारे में प्लानिंग कीजिए। इसके लिए आप छोटे छोटे गोल्स भी सेट कर सकते हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी है कि अब मुझे आगे क्या होगा, अब मुझे आगे करना क्या है। बस जो भी आप कर रहे हैं वो रोज करते रहिए और एक एक स्टेप रोज लेते रहिए। साउंड स्लीप लीजिए। नींद का हमारे जो मेंटली हमारा जो हेल्थ होती है उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए रोजाना 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए। इससे हमारे दिमाग को रिलैक्स करने का मौका मिलता है और साथ ही इसका पॉजिटिव असर हम पर पड़ता है। रिस्क जरूर लीजिए। रिस्क लेने से डरना छोड़ दे। रिस्क लेने से हमारा दिमाग एक्टिव होता है। इतना ही नहीं, रिस्क लेने से मेंटल स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है, इसलिए हमेशा छोटे छोटे रिस्क जरूर लीजिए। बदलाव को स्वीकार कीजिए। बदलाव हमारे जीवन का हिस्सा है, इसलिए बदलाव से भागने की वजह उसे स्वीकार कीजिए। ये मत कीजिए कि यार ये बदलाव है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है। बदलाव को हमेशा स्वीकार कीजिए। जब आप बदलाव को स्वीकार करेंगे तो आपके माइंड की ग्रोथ और बढ़ेगी और इस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो आप ये जो मैंने आज 8 टिप्स आपको बताए हैं वो ज़रूर अपना कर देखिए और देखिए आपका जीवन कैसा हो जाता है और आप कितने स्मार्ट हो जाते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको, मुझे ज़रूर बताइए। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।